हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल गफ्फार और पाकिस्तान सुपर लीग की अपडेट के साथ हाजिर हूँ। और ना सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि टीएन स्पोर्ट को भी सब्सक्राइब करें जो कि टॉन मीडिया ग्रुप का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। और कराची, लाहौर, मुल्तान, पिंडी सब जगह से वहाँ पर अपडेट आ रही है। टीएन स्पोर्ट स्पोर्ट्स नहीं है, स्पॉट है, उसको आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और मेरे ट्वीट पर भी आपको उसकी वीडियोज़ मिल जाएंगी और बड़ा रैपिडली ग्रो हो रहा है तो आपने उसको भी जाके देखना है। तो जनाब, आज पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से नेशनल कराची के अंदर वह सही रंग जमा हुआ है, चूँकि कराची और पेशावर की टीमें जो है वो एक साथ प्रैक्टिस कर रही हैं और हम देख रहे हैं कि जो एंटिसिपेशन है इस मैच की वो महसूस की जा सकती है, चूँकि दोनों अब ये हरीफ। हालांकि पेशावर का बड़ा यहाँ पे डोमिनेंस है, 15 में से 10 मैच जीते हुए हैं, 5 कराची ने जीते, लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि हर रोज़ एक नया दिन होता है और शायद इतनी ज़्यादा जो डोमिनेंस है ये उस दिन काउंट नहीं करती, अच्छी परफॉर्मेंस काउंट करती है। तो जनाब, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वक्त नेशनल कराची बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है और लाइट्स ऑन है, पर दोनों टीमें जो है वो प्रैक्टिस कर रही हैं। कराची किंग्स, ये आपके मेरे राइट हैंड पर जनाब देख सकते हैं, लेफ़्ट पर पेशावर ज़ल्मी, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त कराची किंग्स की टीम अपने नए हेड कोच जॉन बोथा और इसी तरह बैन कटिंग मौजूद हैं, उनके नए कोच हैं पीएसएल सीजन के लिए। आई एम नॉट श्योर कि वो आए नहीं आए जॉन बोथा, लेकिन हमारा बैन कटिंग ज़रूर मौजूद हैं, लास्ट टाइम पेशावर ज़ल्मी में थे। यहाँ पर जनाब डैरन सैमी की क़यादत में पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो इस वक्त प्रैक्टिस कर रही है। और डेफिनेटली अब ये देखता हूँ मैं भी, आज के ठंड रात में वाला ज़रूर है, हमें लग रहा था कि जैसे कराची में सुबह के टाइम ज़रूर गर्मी होती है, कि रात में मौसम बड़ा इस वक्त स्पेशली इस वक्त स्टेडियम में मुझे लगता है कि टी शर्ट में इंसान थोड़ा सा चिल महसूस कर रहा है, तो इस तरह का चिली वेदर ज़रूर है। बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है लेकिन दोपहर में तो ठीक ठाक गर्मी, लेकिन रात में ड्यू फैक्टर के हवाले से बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, तो आज मैं पता करूँगा कि ड्यू इस ग्राउंड पर कितनी है। ड्यू फैक्टर जो कि बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है कुछ वेन्यूज़ पर, स्पिनर्स बहुत हैं तमाम टीमों के अंदर। तो ये तो इस वक्त की अपडेट है, मज़ीद कोई टॉपिक जो आप कवर करना चाहते हैं तो मुझे बताएं, तो डीएन स्पॉट पर यहाँ पे मैं ज़रूर उसको कवर करूँगा और कुछ इंडिविजुअल वीडियोज़ हैं जो बनाऊँगा आपके साथ। सो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।